Good morning, children. Today I'm going to start with mental maths, page number 9. Alright, now see what you have to do. Write in figures the numbers whose names are written in words. मतलब यहाँ पे जो वर्ड्स में लिखा है इसे हम लोग को फिगर में लिखना है, नंबर में लिखना है. जैसे फर्स्ट वन इज 79, 79 को हम लोग को नंबर में लिखना है, दैट इज 79. 146, 146. 245, 245. 306, 306. ठीक है, इसी तरह से ये पूरा पेज जो है वो आप लोग इसे करना, वर्ड्स में लिखा हुआ है ऐसे नंबर्स में लिखना है. ऑल राइट, देन वी कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 10. अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन ईच रो इन असेंडिंग ऑर्डर. मतलब असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटा से बड़ा. तो पहले छोटा नंबर होगा फिर बड़ा नंबर होगा. जैसे फर्स्ट वन देखो, पहला नंबर क्या है, 2, देन 35, देन 120, देन 8, देन 75. तो यहाँ सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2. तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2, उसके बाद कौन सा है, 8. तो हम लोग फिर लिखेंगे 8, उसके बाद कौन सा है, 35. तो हम लोग लिखेंगे 35, उसके बाद कौन सा है, 75. तो हम लोग लिखेंगे 75, उसके बाद लास्ट में कौन सा है बड़ा नंबर, 120. सो 120. सबसे पहले छोटा है 2, देन 8, देन 35, देन 75, देन 120. सो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा. नो सी द नेक्स्ट वन, 85, 11, 55, 120, 98. यहाँ सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 11. उसके बाद 55, देन 85, देन 98, देन 120. ओके, इज दैट अंडरस्टूड. हम लोग को इसे अरेंज करना है, ये जंबल क्या हुआ है यहाँ, वो अरेंज करके छोटा से बड़ा लिखना है. द सेम वे यू आर गोइंग टू डू दिस होल पेज इन योर बुक. ऑल राइट, एंड पेज नंबर 11 जो है मेंटल मैथ्स का, वो आप लोग इसे होमवर्क में करना. पेज नंबर 11 जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है. व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ा से छोटा. ये जैसे हम लोग किए छोटा से बड़ा, तो पेज नंबर 11 जो है वो है बड़ा से छोटा. इन द सेम वे यू आर गोइंग टू डू डिसेंडिंग ऑर्डर. ये छोटा से बड़ा था, ये बड़ा से छोटा करना है. ऑल राइट, सो पेज 9 एंड 10 I've done it for you, and page number 11 upload homework mein karna. All right, children, that's all for today. Thank you.